तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता ने भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी को बीच चौराहे पर चप्पल से मारने की धमकी दी, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने कहा, अरविंद गिरी गंदगी की तरह है, हम उन पर पत्थर नहीं फेंकते, वह छिछोरा किस्म के व्यक्ति है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति भाजपा में है। अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे तो मैं आपको निजामाबाद के चौराहे पर चप्पलों से पीटूंगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने भाजपा पर महाराष्ट्र के शिंदे मॉडल का प्रयोग करने का आरोप लगाया। शुक्रवार को उन्होंने दावा किया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कविता ने कहा, मैं बहुत सुलझी हुई नेता हूं, मैं इस देश की राजनीति में बहुत लंबे समय तक रहना चाहती हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। बीजेपी के दोस्तों और उसके मित्र संगठनों ने मुझसे पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था और उस प्रस्तावित मॉडल को शिंदे मॉडल बताया था। इससे पहले भाजपा सांसद अरविंद पर मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा। दरअसल बीते शुक्रवार को भाजपा सांसद के हैदराबाद स्थित घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उनके घर में तोड़फोड़ की गई, सांसद के पुतले फूंके गए। हमले के बाद भाजपा नेता ने कहा, टीआरएस के गुंडों ने मेरे आवास पर हमला किया, तोड़फोड़ की, उन्होंने मेरी मां को आतंकित किया और हंगामा किया। बीजेपी सांसद ने कहा कि वह भी दिन आएगा जब तुम्हारे अधिकारी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तुम्हारे पिता केसीआर को चप्पल से मारेंगे और उनकी पार्टी की महिला शाखा उनके देखभाल करेगी। भाजपा सांसद ने उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।